हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जो सेट नंबर 11 है। यह बीपीएससी सीडीपीओ एसआई और बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 11 के क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंच ओपन 2021 का कि महिला विजेता कौन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त सेन। नेक्स्ट है, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट है, मैक्स 1407 क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन की नई किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दाला बांध किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया, वह कहाँ स्थित है। तो जगह इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो जगह हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा भारत। क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है। तो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों की मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था। तो इसका आंसर हो जाएगा वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया। तो इसका आंसर होगा A76। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा नीरा टंडन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम का शामिल किया गया। तो हो जाएगा कोब ब्रैड। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। रोबर का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइपर। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपैक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया है। तो जगह नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा, यानी कि प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, ये नहीं है, और चौथा 2020 में भारत का स्थान 108वां था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ये बना है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई। तो ये जगह रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अंगेस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा बिरल देसाई। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो रुमाना सिंह सहगल। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो हो जाएगा 25 अप्रैल। नेक्स्ट है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का
क्या नाम रखा गया, जिसका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया, जिसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोची बंदरगाह। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला APUT क्लिनिक खोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है, FIAF अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा AR रहमान। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज की उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा सीको हाशिमोतो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया, तो इसका आंसर होगा गाम्बिया। नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही है, तो इसका आंसर होगा 1 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरुवाडा चिड़ियाघर का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा है, तो यह बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में है तो ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।